एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फेस मास्क, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा सिंपल भी है। आपको घर पे ही सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, एक ही बार यूज में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इफेक्टिव आपको बहुत दिखेगा, इंप्यूरिटीज और डर्ट को हटाएगा और डीपली क्लीन करेगा आपके स्किन को। और सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, आगे की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा डेमो और किस तरह से इसको बनाना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आया है और आपकी स्किन मॉइस्चराइज होगी और बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिखेगी। खाने में जितना हेल्दी है उतना लगाने में भी हेल्दी है, तो जरूर एक बार इसको ट्राई करें। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा 2 स्पून ओट्स और इसमें आपको भर के रोज वाटर डाल लेना है, क्योंकि ये सोक कर लेता है। रोज वाटर में इसको डिप करके हम रखेंगे ताकि ये पूरा सोक कर ले। और उसके बाद आपको 1 स्पून हनी डालना है। आप चाहे तो और थोड़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सोक करेगा जैसे हनी और रोज़ वाटर को, सारे जो इसके जो बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन को मिलने चाहिए। तो इसको सोक करने के लिए 5 मिनट आप रख ले, बिल्कुल ये पेस्ट की कंसिस्टेंसी बन जाएगा। आपको इस तरह से अभी दिख रहा है, लेकिन बाद में ये इस तरह से बन जाता है पेस्ट की कंसिस्टेंसी। और इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसने रोज़ वाटर जो है पूरा सोक कर लिया था और हनी जो है पूरा सोक कर लिया है, तो मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और इसके बाद आपको मुल्तानी मिट्टी मिक्स करनी है। आप चाहे तो अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो बेसन भी आप मिक्स कर सकते हैं। और क्लीन फेस में आपको इसे लगाना है। सबसे पहले आप फेस वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए फेस को, और उसके बाद इस पैक को लगा ले। मुल्तानी मिट्टी आपके जो एक्सेस ऑयल होगा उसको ये रिमूव करेगा और डीपली आपके स्किन को क्लीन कर देगा मुल्तानी मिट्टी। और ओट्स जो है आपके डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा, नेचुरली एक्सफोलिएट भी करता है स्किन को, आपके व्हाइट हिट ब्लैक हिट को भी रिमूव कर देगा, बिल्कुल क्लियर कर देता है स्किन। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको इस मास्क में मिलने वाला है। दो तरह की चीज़ें हो जाएंगी आपको, मास्क भी हो जाएगा और स्क्रबिंग भी हो जाएगी आपके फेस के साथ ही साथ। सो इसको आपको सेमी ड्राई तक रखना है, पूरा फुली ड्राई इसको नहीं करना है। उसके बाद आपको वॉश करने से पहले इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग कर लेना है, उसके बाद ही आपको वॉश करना है। नेक पे और फेस पे बहुत अच्छी तरीके से लगाए, एक हेल्दी ग्लो आपको मिलेगी। और जो हनी मिक्स किया है ना, हमने मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से, और आपके पिंपल्स भी इससे बहुत ज़्यादा कम होंगे। और अगर ऑल स्किन टाइप इसको लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अभी इसको थोड़ा पानी लेकर मसाज कर रही हूँ, ताकि मेरी जो डेड स्किन सेल है, व्हाइट हिट ब्लैक हिट है, सब कुछ रिमूव हो जाए। स्क्रबिंग पूरे हल्के हाथों से करना है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से इसका रिजल्ट अमेजिंग आया, बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, फेस आपका ग्लो करेगा। वीक में आपको 2 से 3 बार इसी तरह से कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरली देखने को आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़रूर एक बार इसे आप ट्राई करें घर पर। सो आज की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।